भोजपुर के तरारी में उपचुनाव होने जा रहा है। इस विधानसभा का उपचुनाव 13 नवंबर को होने जा रहा है। भोजपुर के 7 विधानसभा सीटों में एक सीट पर ये उपचुनाव हो रहा है, लेकिन चर्चा और सरगर्मी पूरे भोजपुर में दिखाई दे रहा है। इसी चर्चा को लेकर के और सरगर्मी को हम लोकल 18 के माध्यम से आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर चुनाव सबके सिर पर चढ़ करके बोल रहा है। हमारे साथ तमाम दल के जनप्रतिनिधि हैं। अगर आरजेडी से बात करें तो भीम यादव हैं, जो कि वर्तमान जिला परिषद भी हैं और प्रदेश की युवा राजद के महासचिव हैं। दूसरी तरफ अभय विश्वास भट्ट हैं, ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद हम बात करें कमलेश तिवारी जी की, तो जन सुराज से इनका ताल्लुकात है और जन सुराज में अहम योगदान इनका है। उसके बाद प्रहलाद जी हैं, बीजेपी की तरफ से किसान मोर्चा के प्रवक्ता हैं। रोहित बजरंगी हैं, जो कि किसी संगठन से ना ताल्लुकात रखते हैं। उसके अलावा यशवंत जी हैं और तमाम साथी हैं जो कि किसी ना किसी दल से यहाँ पर नाता रखते हैं। हम सीधे इन लोगों से सवाल करते हैं और वर्तमान में सवाल हम महागठबंधन की तरफ से लेते हैं, क्योंकि इनके प्रत्याशी राजू यादव तरारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि 10 साल से, पिछले 9 साल से आपके महागठबंधन के दल के मालिक विधायक सुदामा जी रहे हैं, जो कि वर्तमान आरा के सांसद हैं, लेकिन खासा आक्रोश उस क्षेत्र में देखा जा रहा है। कह रहे हैं लोग कि वहाँ पर काम और विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। जो आप सवाल किए हैं कि तरारी विधानसभा में पिछले 9 सालों में एक साल बच गया है, उपचुनाव हो रहा है, यहाँ से आदरणीय सांसद सुदामा प्रसाद जी उसी क्षेत्र से माननीय विधायक थे और आपने कहा कि उन्होंने काम नहीं किया। यदि उन्होंने काम नहीं किया रहता तो बिहार, खास करके भोजपुर की जनता, उनको जो विकास पुरुष के नाम से मशहूर थे या इस आरा की सरजमी पर आरके सिंह जी, जो विकास का ढिढोड़ा लोग पीट रहे थे उनके नाम पर, लेकिन यहाँ की जनता ने उनको हटाने का काम किया। सिर्फ हवा हवाई विकास था। नहीं, हम आरके सिंह की बात नहीं कर रहे हैं, सुदामा प्रसाद जी पर हम बोल रहे हैं। तो यहाँ की जनता ने भारी मैंडेट दे करके लोकसभा में आरके सिंह को उन्होंने पटखनी देने का काम किया। और रही बात तरारी विधानसभा की, तो तरारी में जब परिसीमन हुआ, जब तरारी विधानसभा बना, और उससे पहले यदि बात किया जाए तो उस सरजमी के नेता थे कॉमरेड राम नरेश राम, 1995 से लेकर के करीब करीब 2005 तक, माने MLA माने सहार जब था उस समय तक थे, उसके बाद उनका निधन हो गया। नहीं, इस 9 साल में काम हुआ है? नहीं, हम बता रहे हैं जो 9 सालों में जो काम हुआ है। और उस क्षेत्र के माननीय विधायक सुनील पांडे जी थे और उनके दौर में कहाँ विकास हुआ था? कहीं कुछ विकास नहीं, गरीब टोलों में कहीं नली गली का काम नहीं हुआ था। जब आदरणीय सुदामा प्रसाद जी वहां से विधायक बने, तो जो बैंक वेंचर जो लोग थे, जो पिछड़े और दलित समाज के जो लोग, जो विकास देखे ही नहीं थे, उनकी गांव की जो गलियां थी, पगडंडिया थी, वो कहीं नसोली हुआ था ना ईट पीसी से हुआ था, तो सुदामा प्रसाद ने मूलभूत सुविधाओं को वहां पर उतारने का काम किया। और सुदामा प्रसाद तरारी में विकास की लकीर खींच करके भोजपुर का नजीर उन्होंने बनने का काम किया। हम आपके पास आते हैं, इनका कहना है कि सुदामा प्रसाद जी के पहले वहाँ पर कोई PCC काम नहीं हुआ, नाली गाली के काम नहीं हुआ, कोई विकास का लोग वहाँ पर नाम नहीं जानता। यह बड़ी हास्यास्पद है। हाँ। और इस तरीके के जो लोग बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको चश्मा पहनना चाहिए। अच्छा। और चश्मे से जब देखेंगे, हम पूछना चाहते हैं जो महागठबंधन के भाई यहाँ हमारे छोटे भाई भीम यादव जी बोल रहे हैं, 5 अगर काम ये दिखा दें कि सुदामा जी ने इनके 5 काम कौन किए हैं, तो मैं राजनीतिक रूप से संन्यास ले लूंगा। अच्छा। 5 वैसे कोई बड़े कार्य। और रही बात की तरारी में क्या था, इनको शायद पता नहीं होगा कि उसके पहले जब राम नरेश राम जी थे, आदरणीय थे, और लोगों ने उनको जिताया था, गांव गांव में, किसी भी गांव में सड़क नहीं था, सड़क के जगह पर गड्ढे बने हुए थे जो मुख्य सड़क थे। गांव के गड्ढों को छोड़ दीजिए, मुझे आज भी याद है कोसियर, कोरियर, भाना बिगहा, अमरुमा, गहरुमा, खरौना, कुसुमी, कुदरिया, ये जितने तमाम पिछड़े गांव थे,
कहीं पर भी सड़क नहीं था कि लोग प्रसव के समय रोग रोग जब बीमार पड़ते थे स्ट्रेचर पर नहीं इस पे क्या गाड़ी भी की भी व्यवस्था नहीं होती थी क्योंकि रोड ही नहीं था। तो ये किया कौन, वहां पर विकास हुआ आपके मतलब? मैं आपको ले जा रहा हूँ ना, पहले लोग किस चीज से जाते थे, चरपाई पर लाद करके ले जाया जाता था गरीब गुरबों के द्वारा। और ये लोग गरीब गुरबों की बात करते हैं, जब माननीय विधायक वहां से सुनील पांडे जी बने तो एक एक गांव को तीन तीन तरीके के सड़कों से जोड़ा गया है जो आज भी नजीर है और देखने को मिल रहा है। 5 साल का कार्य इनके 10 साल के कार्यकाल के बराबर अगर तुलना कर दीजिए तो 5 साल भारी पड़ेगा। और इसका उदाहरण वहां का सड़क है जो धरातल पर चल करके देखने में को मिलता है। वापस आते हैं, सुने आप पूरा बात, 5 साल का हारी बता रहे हैं। इनका बात स्पष्ट हुआ है कि बोल रहे हैं कि विकास पुरुष नहीं है, लेकिन एक बात बताइए कि जिस इंसान विधायक था सांसद से उन लोगों ने बिहार के जनता ने उसको आरा के जनपद ने जिताने का काम किया, सदन में भेजने का काम किया, जिस तरीके से इन्होंने बोला कि रोड सड़क बनाने का काम सुनील पांडे ने किए हैं, ये अगर सुनील पांडे अगर किए होते तो उनको पार्टी के द्वारा टिकट मिलता, पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला। उसके अलावा टिकट नहीं मिलने के बाद जनपद उनको हराने का काम की है। सुदामा प्रसाद बहुत ही सुदामा प्रसाद अगर बताइए कि अगर बेकाम काम नहीं किए होते तो दो बार उनको जनता वहाँ की क्यों जिताती, वहाँ की जनता क्यों जिताती, दो बार वहाँ की जनता दो बार जिताई और सदन में भेजने का काम की। विकास पुरुष के मुद्दे से जो इंसान गिना जाता था, पुरुष इंसान को गिना जाता था, उस इंसान को तमेचा मारकर सदन में भेजने का काम की है आरा की जनता ने। ठीक है, हम इसका जवाब बीजेपी से लेना चाहते हैं। आपके प्रत्याशी हैं वर्तमान में वहां के प्रशांत किशोर जी हैं, इन लोगों के द्वारा लगातार कई काम गिनवाए जा रहे हैं, माले के द्वारा अलग अलग काम गिनवाए जा रहे हैं, उसके बाद सुनील पांडे जी पूर्व विधायक थे उन पर कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं विकास ना करने का। क्या आपके हिसाब से ओपिनियन आपका बीजेपी का? जब सुनील पांडे 10वें तरारी नए परिसीमन में जब स्वरूप में आया तो पहली बार विधायक बने, ठीक है, उसके पूर्व उस क्षेत्र को सहार के नाम से जाना जाता था, 15 वर्षों तक वहाँ एमएलए थे और जिस गांव के वो एमएलए थे कामरेड राम नरेश राम, उस गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, वहाँ सड़क नहीं थी। तो विकास से माले को लेना देना ही नहीं है, विकास पर ये चर्चा करेंगे नहीं। अच्छा, 5 काम गिनाने के लिए बोले, वो एक काम नहीं गिना पाए, ठीक है। सुनील पांडे जब एमएलए थे तो बिहार में तीसरे नंबर पर तरारी विधानसभा आता था। अच्छा, विकास के मामले में राज्य सरकार की राशि खर्च करने के मामले में तीसरे नंबर पर फैक्ट चेक कर लीजिएगा। और एक बात हमारे भाई शुरू किए कि यहाँ विकास हार गया, यहाँ विकास नहीं हारा, यहाँ झूठ जीत गया। वो झूठ कैसा था, हाथ में संविधान लेकर दिखाते चलते थे कि संविधान खतरे में है। जिन्होंने संविधान हाथ में लेकर दिखाने का काम किया, 1950 में संविधान लागू हुआ और 51 में संवैधानिक संशोधन शुरू हो गए, और इस देश में पहली विपक्षी सरकार किसी राज्य में आई तो केरल में गैर कांग्रेसी सरकार आई जिसे बर्खास्त करने का काम किया गया, तो संविधान की हत्या किसने की? और साथ ही लोकतंत्र के हत्यारे लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, यहाँ की भोली भाली जनता उनके बातों में आ गई, संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले के झूठ को यहाँ की जनता ने नहीं पकड़ा, इसलिए यहाँ विकास हार गया। यहाँ विकास नहीं हारा, यहाँ झूठ जीता। अच्छा, है झूठ जीता है, ठीक है। आपके हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से झूठ जीता है और काम वहां पर हुआ है, बहुत ज्यादा काम हुआ है जनता के हिसाब से, जनमानस बताएगा। आरजेडी महागठबंधन के हिसाब से तरारी में कभी कोई काम बीजेपी और एनडीए प्रत्याशियों के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन इस बीच तीसरे पार्टी की भी अब एंट्री हो चुकी है और बड़े दल और मजबूती के साथ वहां पर जन सुराज की एंट्री हुई है। आपका ओपिनियन इन दोनों के बातों को लेकर क्या है? सुन रहा हूं, अच्छा लग रहा है। भीम भाई बोले, अभय बोले, विकास पुरुष लग रहा है कि विकास डिक्शनरी से कुछ उसका मीनिंग अलग है। मैंने डिक्शनरी में जो हम लोग विकास पढ़े हैं उसका मीनिंग अलग है। भीम भाई बोले कि सुनील पांडे जी विकास नहीं किए थे इसीलिए सुदामा प्रसाद जी भी विकास नहीं किए, ठीक है। अभय भाई बोले कि सुनील जी इतना विकास किए थे कि फिर मैंने सुदामा जी को लगा कि अब इसके आगे कुछ नहीं किया जा सकता है, तो वो बेंचमार्क हो गया। लेकिन हम लोग भी तरारी कुछ दिन से घूम रहे हैं, खुद अभय भाई भी तरारी से हैं, मैंने अब उसी को विकास कहते हैं तो हम लोग को सोचना पड़ेगा कि कुछ विकास का कोई नया शब्द तो मीनिंग तो नहीं ना डिक्शनरी में निकलता है।
बहुत ही खराब स्थिति है तरारी की। सच्चाई एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी दल हो, जो भी पार्टी हो, जो भी नेता हो, हम लोग को एक्सेप्ट करना है कि विकास जरूरी है, डेवलपमेंट जरूरी है। किसी भी पार्टी से कोई भी नेता चुन कर आए, बेसिकली मैंने जो एक्चुअल काम है तो क्वेश्चन है, और इनके नज़र में अगर विकास की डिक्शनरी नहीं आ रही तो मुझे लगता है कि शायद जिस प्रकार इनके नेता जो अपनी बातों को रखते हुए कहते हैं कि हम एक सच्चे और ईमानदार प्रत्याशी का चुनाव करेंगे, तो बेलागंज की जनता समझ रही है कि मोहम्मद अमजद जी कौन है, क्या है, बताइए आपको। मोहम्मद अमजद जी के बारे में जब हमने पढ़ना चालू किया तो वहाँ सैकड़ों केस आपराधिक जगत के उन पर लगे हैं, आपराधिक, मर्डर, हत्या, सब कुछ है। अगर उसी नजरिए से अगर ये विकास को देखते हो तो मैं मान जाऊंगा कि धन्य है प्रशांत किशोर और उनके नेता की सोच जो विकास को भी उसी श्रेणी में रखते हैं। एक नया मुद्दा निकल कर, ठीक है ठीक है, देखिए बात को डिबेट करना है, इधर का नहीं, ठीक है, मैंने इनका बात मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उस पर मैंने पार्टी देखेगी कि क्या स्थिति है, क्या नहीं, कैसे, क्या उनका एक्चुअल सिचुएशन है, फैक्ट है, बहुत सारा गलत भी निकल हम लोग बेलागंज के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, चार यहाँ पर तरारी के लिए आए हैं। भाई मेरे छोटे भाई नहीं छोड़ा सकते पार्टी, लेकिन पार्टी पर आरोप अपनी पार्टी पर, पार्टी पर भी हम बात कर लेते हैं, इनके पार्टी पर भी बात करते हैं, लेकिन छोड़िए इन पर नहीं बोलेंगे क्योंकि ये लोग हमारे यहाँ कहीं लड़ाई में नहीं है। सूरज को अपने बात रखने दे, एक बार उसके बाद वापस आते हैं। नहीं, अगर अभय भाई को बोलना होगा तो मैं आधा समझ दूंगा अपना। आपके पार्टी के हाई कमान पर लग रहा है प्रत्याशी को, इस तरीके से प्रत्याशी को लाने का, तो जो बात वो कर रहे हैं वो लगातार बात से लीक से हट करके वो काम किए हैं, अगर इनकी बात मान ले तो इसका खंडन आप करें। क्या खंडन, वो प्रत्याशी के ऊपर, तब प्रत्याशी के ऊपर पार्टी जांच करेगी, अगर गलत होगा तो देखा जाएगा कि क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है। मतलब कि हम नामांकन के, अब मैंने अब देखिए एक्चुअल फैक्ट तो पता नहीं ना है, अब मैंने अब बता नहीं ना सकते हैं कि किस तरीका का निकला हुआ है, पहले से पता नहीं होगा। अपने यहाँ के तरारी के प्रत्याशी के बारे में तो सब प्रत्याशी के तरारी के प्रत्याशी क्या बताया जाए, सामान्य औरत है, सामान्य परिवार से है, सामान्य पढ़ी लिखी है, सबसे बड़ा बात है कि उनमें समाज के लिए काम करने का जज्बा है, वो समाज के लिए काम करती हैं, औरतों के लिए काम करती हैं, बच्चों के लिए काम करती हैं, आगे भी उनके काम करने का जज्बा है, वो काम करेंगी। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीका से वो बिलोंग कर रही हैं, जिस फैमिली से बिलोंग कर रही हैं, अगर दूसरे पार्टी में रहती तो कुर्सी सीधा करना और दरी बिछाना छोड़कर और कुछ काम उनको नहीं मिलता, लेकिन जन सुराज है कि उनको टिकट दिया है, हम लोग उनके साथ। कहां आपको दिखाई दे रहा है जन सुराज, ये बताइए। लड़ाई में है, लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई में मन किस तरीका का, लड़ाई में धुरंधर आपके सामने, कुछ धुरंधर नहीं है, हवा बना कर रखा हुआ है। राजू यादव के बारे में क्या ख्याल है? राजू यादव जी ठीक है, जमीनी नेता है, और क्या बोल सकते हैं उनके बारे में, इसका मतलब जनता उनको सपोर्ट करे तो आपको है? ये तो सपोर्ट हो गया एक तरीके से, क्या सपोर्ट हुआ है? राजद की बी टीम कही जा रही है, उसके ये उदाहरण है, राजद की बी टीम। देखिए अभी दोनों जदयू और जन सुराज के लोगों को सुनकर यही लगा कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये तो अभी, अरे भैया अभी अभय जी ने बताया, अब अभय जी ने बताया कि मोहम्मद अमजद जी वहाँ के जो है उनमें हिस्ट्री सीटर, उनका नाम बेलागंज से, और यहाँ पे सुनील पांडे क्या है, बताइए क्या है, भाजपा ने अपने, अरे कुछ नहीं है, वो गरीबों के लिए लड़ाई लड़े हैं, सुनील पांडे हिस्ट्री सीटर है, उनका इतिहास आप सब कोई जानता है, और भाजपा जो जमीनी कर्ज करता थे कौशल विद्यार्थी जी, उनका टिकट काट कर, इनको चिंता है, और बताइए चिंता, बताइए क्या बात है, सुनिए ना सर, सुनिए वो क्या बीजेपी के लोग बात करेंगे, और टिकट बेच दी परिवार, परिवारवाद, ये परिवारवाद, परिवारवाद पर लोग बनने वाले आगे आकर कुछ बात परिवारवाद की बात यहाँ पर, उनके टिकट दे दिया गया, काले संगीन आरोप है जी का, क्या हम बीजेपी से जवाब नहीं मांगते, इसका हम बीजेपी से जवाब मांगते हैं, हम बीजेपी से जवाब चाहते हैं, सुनिए परिवारवाद और टिकट बेचने का आरोप बीजेपी पर लग रहा है। हमारे जो प्रत्याशी वहाँ है विशाल प्रशांत,
उनके ऊपर किसी भी तरह का आरोप नहीं है। सबसे बड़ा आरोप सुनिए, किसी का सुनिए करते हुए सुनिए, आप बोलिएगा 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 अपने किसी तरह का उन पर आरोप नहीं है। किसी का पिता क्या करता है उसका उसका भागीदार नहीं है, उसका भागीदार उसका पुत्र नहीं होता है और नहीं उस दंड का दोषी होता है। दूसरी बात जो ये टिकट काटने की बात कर रहे हैं, तो 19 के चुनाव में इनकी पार्टी ने राजू यादव को टिकट दिया था, 24 में टिकट काट दिया कि कहां काट दिया था, नहीं काटा राजू जी, राजू जी नहीं काटा, नहीं 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 ऐसे ऐसे ठीक है ठीक है ठीक है, भीम जी टिकट काट के ही सुदामा जी को इन्होंने टिकट दिया। हम बात कर रहे हैं, हम बात कर नहीं बात बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ठीक है, डिबेट थोड़ा सा हो जाता है, हॉट टॉक हो जाता है, दूसरे के प्रत्याशी को अपनी प्रत्याशी को बचाने में, नहीं नहीं लड़वा रहे हैं हम, मुंगा लड़ने जा रहे हैं, खुद आग लोग लड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक बात आप सवाल का जवाब सुनिए सुनिए, ठीक है, आप एंकर हैं, आप सबको बारी बार मौका दीजिए, नहीं नहीं आप गड़बड़ कर कैसे रोक सकते हैं, जिनको जो बोल उनको रोकिए, जो बोल उनको रोकिए, हम एक आप उनके नहीं से खंडन जाते हैं, हम मुद्दे पर आते हैं। अभी दो दिन पहले नॉमिनेशन हुआ एनडीए प्रत्याशी के तरारी में, और वहां पर कई सारे नेता एनडीए के तरफ से आए, हमारे पूर्व सांसद भी वहां पर पहुंचे थे, और उनके द्वारा एक बहुत ही बड़ा बयान दिया गया कि जो सुदामा प्रसाद जी हमारे सांसद है, उन पर 25 हत्या का आरोप है। कौन हत्या का आरोप है, वो तो हथियार का जो पूजा कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिए। दूसरी बात है कि हत्या का आरोप उस मंत्री जी आरके सिंह जी सुप्रीम कोर्ट है क्या, न्यायालय उनको बरी किया है, न्यायालय जब बरी करते उनको कौन होते हर्ब लगाने वाले, कानून उनको सजा मुक्त कर दिया, उनको कानून ने उनका आरोप से बरी कर दिया उनको, तो फिर कैसे लगा रहे हैं आरोप, बेबुनियाद है, बेबुनियाद है बिल्कुल। ये जिले को अशांत करने की पूरी कोशिश हो रही है। अब तक 10 साल में सुदामा प्रसाद जी वहाँ विधायक रहे, कहीं किसी तरह कोई अप्रिय बात नहीं हुई, ठीक है, इनके हारने के बाद इस तरह का उस्कावापूर्ण बयान दिया जा रहा है जिससे इस जिले की जनता को अशांत किया जाए, लेकिन जिले की जनता विकास के राह पर आगे बढ़ चुकी है और निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी, और हम न्यायप्रिय लोगों से कहना चाहते हैं जो लोग इस जिले को शांत करना चाहते हैं, जिले की जनता जानती है। ठीक है, हम आपका फिर से आएंगे। विकास पुरुष इनको अब कहा जा रहा है, सुदामा प्रसाद को, और यह भी कहा जा रहा है कि आरा की जनता उनके साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गई है, और जो आरोप लगाया गया है आरके सिंह के द्वारा खुले मन से, वो पूरी तरीके से बेबुनियाद। देखिए, आप इस तरह के हाथ से पद सवाल करेंगे तो जवाब क्या देंगे, आप विकास पुरुष का विषय कहिएगा तो हम हंसेंगे आपके विषय पर, क्या करेंगे। अब विषय यह है कि विकास, हम अगर मुद्दे की बात करेंगे और आरा की विकास की बात करेंगे, तो जब भी कोई नाम आएगा तो पहले लोग आरके सिंह का ही नाम लेंगे। आज जो भी आपको साधन संसाधन और यहाँ आसपास चीजें दिख रही हैं, यहाँ इस पार्क में आप खड़े हैं, रामना मैदान में, इसका सौंदर्यकरण आप लोगों को दिखाइए, ये विकास है कि नहीं है। आप यहाँ से निकल रहे हैं चार कदम पे, सांस्कृतिक भवन को जाके देखिए, क्या था और क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये विकास है कि नहीं है। आपके शहर के चारों तरफ, चाहे जिस तरफ, पूरब निकलिए, पश्चिम निकलिए, उत्तर निकलिए, आरके सिंह पर सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि आरके सिंह की जगह अब सुदामा प्रसाद को विकास पुरुष नहीं, हम इसीलिए तो बता रहे हैं, इसीलिए तो बता रहे हैं कि इसको विकास कहेंगे, इसको अगर विकास नहीं कहेंगे तो विकास की परिभाषा क्या होगी। दूसरा विषय, दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं कि जब से वहाँ सुदामा जी, तरारी विधानसभा की बात हो रही है, तरारी में विधानसभा जीत के आए, सदन में गए, तो कोई वहाँ पर प्रिय घटना नहीं हुई है। भोजपुर शहर का ये पहला घटना जब 15 दिन तक पूरे भोजपुर शहर में इंटरनेट बंद था, फोन की सुविधा बंद थी, वो किसने करवाया था,
2017 में जो दंगा हुआ था पीरो में, उससे वहां की जनमानस इतनी आहत थी कि 15 दिनों तक घर से लोग बाहर नहीं निकलते थे। अब ये तो यही तो सोचना है, जब उन लोग कहने को ये प्रिय घटना हुई नहीं, तो ये जो धार्मिक अनुवाद फैला के लोगों के बीच में जातिवाद का घोल घोल के और जो मुख्य धारा है लोगों को दूर ले जाके जुमलेबाजी और झूठे वादे करके उनको मतदान करते समय अपने तरफ मोड़ना, ये जो चीजें चल रही है इनसे हमारे समाज को नुकसान है। ठीक है, आज मतदान है, आज हम लोगों को दिख रहा है कि वो हार गए वो जीत गए, लेकिन ये बहुत दिनों तक चलने वाला सिस्टम नहीं है। आप पिछले कुछ दशकों को देखिएगा, कांग्रेस तो 50 सालों तक जीतते ही रहेगी, कभी हारे ही नहीं, कोई हराने वाले नहीं, लेकिन क्या उस समय हम अपने को विकास के रास्ते पर ले आए, विकास का दौर आ पाया? दूसरा, आप कह रहे हैं कि जन सुराज एक तीसरी पार्टी लड़ रही है, यहाँ जन सुराज को लड़ाने की बात कौन कर रहा है? ये अकेले पड़ गए। हम तो कहे कि जिस प्रकार आप उनको प्रोजेक्ट करके और उनको फिनांस कर रहे हैं, उनको अर्थ दे रहे हैं कि आप चुनाव में आइए और 2-4 हजार वोट कर, प्रोजेक्ट कर रहा है, आरजेडी कर रही है, इंडी गठबंधन कर रहा है, बात को रोकते हैं, नहीं बात को रोक रहे हैं। आरजेडी के द्वारा अब कहा जा रहा है कि बी टीम है जन सुराज और प्रोजेक्ट करके लड़ाया जा रहा है। कभी अब देखे हैं कि जन सुराज जी के जो चेयरमैन हैं, सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, कभी यही लोग तो काम क्या करते थे मोदी जी के लिए, यही लोग तो देश की जो आज दुर्दशा है उस दुर्दशा के बारे में आर के सिंह का कल बयान था वो नामांकन समारोह में कि जिले से पलायन हो रहा है, इस जिले में कोई फैक्ट्री नहीं लग रही है, ये मेरा बयान नहीं, नहीं है ये आर के सिंह का बयान है। ये आर के सिंह ने कहा कि जिले में राज्य में कोई रोजगार नहीं है, ट्रेनों में भर करके लोग जा रहे हैं बाहर, यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं, इसका कौन जिम्मेवार है? ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आर के सिंह जी का यह बयान है। ठीक है, तो जो देश में जो जिनकी सरकार चल रही है, सरकार के लाने वालों में से ये सूत्रधार हैं, अच्छे दिन आएंगे, ये किन का नारा था? ये प्रशांत किशोर जी का बयान ही दिया हुआ नारा है। क्या है देश में आज? अच्छे दिन है, देख लीजिए, उनके मंत्री जी कह रहे हैं कि आज इस जिले में राज्य में कोई रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं, हवाई जहाज का किराया 25-30 हजार रुपया हो जा रहा है, ट्रेन का किराया 2-3 हजार रुपया हो जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? यही लोग तो है, ये लोग राजनीति का वेश्यावृत्ति करते हैं, बिल्कुल ये लोग राजनीति का वेश्यावृत्ति करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों की जिले और राज्य की जनता बखूबी जानती है। और मैं निश्चित तौर पर कहूँगा कि इस जिले की जनता विकास के राह पर आगे बढ़ चुकी है, अमन चैन के रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है, और निश्चित तौर पर राजू यादव जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनकी विजयी होगी, चूँकि राजू यादव इस जिले के छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए वो लगातार लड़ते रहे हैं। अभी जो उम्मीदवार खड़े हैं, अभी कोई इतिहास है उनके लड़ने का, एक इतिहास तो आया अभी कि हथियारों के साथ पूजा करते हुए कैसा समाज बनाएंगे आप, ये नौजवानों को सिखाएंगे कि हथियार की पूजा कीजिए, अभी नौजवानों को रोजगार चाहिए, उनकी शिक्षा चाहिए, लेकिन ये समाज की ये माने राजू यादव की वर्तमान में स्थिति क्या है वहाँ पर तरारी विधानसभा क्षेत्र में? वहाँ की जनता तय करेगी, हम कैसे कहेंगे, वहाँ की जनता तय करेगी अच्छे हैं कि बुरे हैं, जनता निश्चित तौर पर उनको अपने चेहरा के रूप में आगे पढ़ा करके आगे बढ़ा रही है और निश्चित तौर पर आगे हम जीतेंगे। ठीक है, अब इसे हम बहस को समाप्त करना चाहते हैं। एक तरफ हो गए हैं माले के जो प्रत्याशी के संबंधित व्यक्ति हैं, उनके तरफ से इस बात को कहा गया है कि राजू यादव को वहाँ के नौजवान चाहते हैं और शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के बात करेंगे। हम सिर्फ पार्टी से रिलेटेड प्रत्याशियों से रिलेटेड बात करेंगे। एक माले से हो गए हैं, उनका दावा हो चुका है, जन सुराज का क्या दावा है? जन सुराज का मैं तो देख कर दंग हूँ कि किस तरीका से व्यवस्था चरमराई हुई है, कैसे आदमी एक्सेप्ट कर उसी को अप्रिसिएट कर रहा है। सबसे बड़ी बात कि हम लोग की अंडरस्टैंडिंग, हम लोग पता ना क्यों नहीं एडमिट करना चाह रहे हैं कि एकदम खोखला हो गया है सिस्टम, विकास जबरदस्ती का ये माने थेथरोलॉजी दे रहे हैं, ये लॉजिक दे रहे हैं, वो लॉजिक, अंदर से अपने अंतरात्मा में झांक कर एक बार देख लिया जाए ना, सारे आदमी जितना हम लोग खड़े हैं, हम लोग को अच्छी सिचुएशन पता है, वो तरारी हो, आरा हो, भोजपुर हो, नहीं सुनिए सुनिए पलक नहीं, वो कीड़ा
किरण देवी की बात तो बाद में आएंगे, पहले हम लोग की अपने मनोवृत्ति पर झांकना पड़ेगा कि एक्चुअल सिचुएशन, सब आदमी यहाँ पर नेता है, सब लोग देश विदेश घूमता है, सब लोगों को बाहर की स्थिति पता है, लेकिन यहाँ की क्या स्थिति है, फिर भी हम लोग थेथोलॉजी कर रहे हैं, फिर भी हम लोग इसको उसको 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 ब्लेम दे रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये कि हम लोग माने कि वहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, कुछ विकास नहीं हुआ है, अब बिल्कुल होना चाहिए। करेगा ये अब वही जो भी आए, नहीं जो भी कौन आएगा, तीन ही मुख्य रूप से तीन प्रत्याशी है। अरे हम लोग आएंगे तो हम लोग के तो हाथ में ही है, हम लोग तो करेंगे, तो वही बताइए, तो हम लोग अपना विकास, तो हम लोग अगर आ गए तो देखिएगा कि क्या विकास होगा, हम लोग देखिएगा क्या विकास करेंगे हम लोग अगर आ गए तो। अब लेकिन बाकी आएंगे नहीं आएंगे कितने प्रतिशत आपको चांस लग रहा है? अरे हम 100% जान रहे हैं कि हम आए, लेकिन अगर हम नहीं आए तो फिर भी अपील है कि जो भी आए लेकिन आएंगे, दूसरे प्ले आएंगे, हाँ लेकिन जो भी आए वो विकास करे। नहीं देखिए ये ठीक है, जन सुराज को अभी खुद पर डाउट है, आएंगे नहीं आएंगे, इसलिए वो दूसरों से अपील कर रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी का क्या पोजीशन है आपके नजर में? एनडीए प्रत्याशी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के दावे के साथ, उस आधार के साथ आगे बढ़ रहा है और यहाँ की जनता निश्चित रूप से उसे चुनेगी। और दो बात, एक बात इन्होंने जो कहा कि यहाँ रोजगार और उद्योग का अभाव है, तो आज जिनके साथ ये गलबहिया कर रहे हैं ना, इनके द्वारा फैलाई गई अराजकता के कारण कोई निवेशक यहाँ नहीं आ रहा है। अच्छा, किसके द्वारा? पार्टी के नाम नहीं, एनडीए अलायंस के जो पूर्व में सरकारें चली हैं उनके द्वारा फैलाई गई अराजकता के कारण यहाँ कोई निवेशक नहीं आ रहा है, यहाँ जो उद्योग धंधे बंद हुए उनको। ये तो बात खुद आरके सिंह भी खुले मन से एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ ना कि इनके द्वारा फैलाई गई अराजकता के कारण निवेशक यहाँ नहीं आ रहे हैं, जो उद्योग धंधे बंद हुए उन्हें चालू करने का प्रयास हो रहा है, कई मिलों को पुनः उन्हें नए। लगातार सर आप कई सालों से सरकार में है, जदयू के साथ गठबंधन में बीजेपी की सरकार है, तो इस अराजकता को खत्म क्यों नहीं किया गया? हमने बहुत हद तक इसे मिटाया है, लेकिन ये जो इनके नस नस में है अराजकता, आपने देखा होगा जब 20 का चुनाव हुआ तो यही जीरो मिल पर कैसा अराजकता हुआ, लोगों को पूछ पूछ के और उनको पीटा जा रहा था। आपको न चुनाव आयोग पर भरोसा है, न इस देश की न्यायपालिका पर भरोसा है। बंधु बोल दिए कि आरोप मुक्त हो गए, जब तक अंतिम न्यायालय किसी व्यक्ति को आरोप मुक्त नहीं करता है आप उसे आरोपी कहेंगे? हम उसे बेल मिला हो तो आरोपी मुक्त थोड़े हो सकता है। आरोपी कहेंगे? बिल्कुल आरोपी तो कहेंगे। 25 हत्या का नहीं, उन पर कई मुकदमे हैं, 25 हत्या ही नहीं है, हत्या के अलावे भी मुकदमे, तो आरोपी हैं। हम आरोपी बोले हैं हमारे नेता उनको, ये नहीं कि उनको दोषी बोले हैं। आरोपी और दोषी में अंतर है। जब अंतिम न्यायालय फैसला दे देगी कि आप दोष मुक्त हैं तो आप निर्दोष साबित होंगे, नहीं तो तब तक आप आरोपी हैं। अंतिम सवाल और अंतिम जवाब आपसे हम चाहते हैं कि एनडीए प्रत्याशी का तरारी में क्या पोजीशन है, किस पोजीशन में आप लोग हैं? एनडीए प्रत्याशी का क्या स्थिति है यह वहां की जनता बखूबी तय कर चुकी है और उसका नजारा नामांकन के दिन ही देखने को मिल गया है। दूसरा बात, इन्होंने कहा था कि राजू यादव पढ़े लिखे नौजवान, आपको पता है कि इससे पहले 3 जगह से रिजेक्टेड हैं। इसके पहले उस संदेश में चुनाव लड़े, वहां रिजेक्ट हुए, बढ़ारा गए वहां रिजेक्ट हुए, आरा लोकसभा लड़े वहां रिजेक्ट हुए, ऐसे 3-3 जगह से रिजेक्ट होकर के चौथा बार, चूंकि चरागाह है उनको अपने किसी एक क्षेत्र पर भरोसा है नहीं, क्योंकि उनको एक जगह पर रहना पसंद नहीं है, एक व्यक्ति एक जगह के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जगह बदल बदल करके चुनाव लड़ने के लिए इस बार चरागाह बनाने तरारी गए हैं, जो कि वहां की जनता कतई पसंद नहीं करेगी और विशाल प्रशांत भारी मोहम्मद से आगे विजयी होंगे। ठीक है, हम इस बात को अब समाप्त करते हैं, काफी समय हो चुका है। और देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो सभी किसी न किसी दल से हैं और सभी अपने अपने प्रत्याशियों के जीत का दावा कर रहे हैं। माले से अगर बात करें तो राजू यादव की जीत की दावा की जा रही है, एनडीए से अगर बात करें तो वहां पर विशाल प्रशांत की जीत की दावा की जा रही है, और जन सुराज से बात करें तो वहां पर उनकी जो प्रत्याशी है किरण देवी उनकी जीत की दावा की जा रही है। लेकिन इस जीत का दावा कितना सच साबित होगा और कितना झूठ साबित होगा आने वाला ये 23 नवंबर तय करेगा। फिलहाल आरा से लोकल 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।